हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ट्राइबल दिकूज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज। एज यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 8। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर पार्ट अबाउट ट्राइबल ग्रुप्स who were practiced झूम cultivation and some were hunter and gatherers. Now we will discuss another work of tribal groups. So let's start. Student, जैसा आपको पता है कि हम अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कुछ ट्राइबल जो ग्रुप्स थे हंटर गैदरर बन चुके थे, कुछ प्रैक्टिस किया करते थे झूम कल्टीवेशन। वहीं पर अब हम आगे देखेंगे अपना न्यू टॉपिक सम हर्डेड एनिमल्स, यानी कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो हर्ड किया करते थे एनिमल्स को, यानी पाला करते थे जंगली जानवर जो थे उनको नहीं, बल्कि जो ऐसे एनिमल्स होते थे जो पालतू हुआ करते थे उनको पाला करते थे। सो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। जो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो हर्ड किया करते थे और रियरिंग करते थे एनिमल्स को, लाइक काओ गॉड्स। सो द वैन वन गुर्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर एंड गाडीज ऑफ कुल्लू वर शीफर्ड एंड बैकवर्ड्स ऑफ कश्मीर बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर गॉड्स। यानी जो वन गुर्जर थे पंजाब हिल्स से बिलोंग करते थे और जो लबाडीज कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ये जो आपके कैटल हर्डर्स थे, साथ साथ जो गडीज कुल्लू से बिलोंग करती है और जो बकरवाल हैं वो रियर करते थे एनिमल्स को और करते हैं। सो दीज आर द हर्डेड एनिमल्स लाइक गॉड्स एंड different cattles. So now we will discuss next one, some took to settled cultivations. यानी बहुत सारे ऐसे जो लोग थे या tribal groups थे वो settled हो चुके थे, settled cultivation करते थे, यानी वो खेती करना उन्होंने start कर दिया था। Before the 19th century, many from within the tribal groups had begun to settling down and cultivating their fields is one place year after year instead of moving from place to place. यानी 19th सेंचुरी के बिफोर में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिन्होंने शुरू कर दिया था सेटल होना। सेटल होना यानी वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते थे, है ना। जैसे झूम कल्टिवेशन के जो प्रैक्टिस करते थे वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते थे, लेकिन इन लोगों ने अब क्या कर दिया, शुरू कर दिया सेटल होना, एक जगह पर रहकर अपने घर बनाना और जो फील्ड्स हुआ करते थे वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया। और जब ये लोग फील्ड्स में कल्टीवेशन करते थे तो उनको एक ही जगह पर रहना पड़ता था, क्योंकि जो फील्ड्स की उनको देख रेख करनी पड़ती थी, जो अपनी क्रॉप की बचाया जाता था उनको, जो एनिमल्स हुआ करते थे वाइल्ड एनिमल्स उनसे। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो सेटल होने लगे। दे बिगेन टू यूज़ द प्लो एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। यानी उन्होंने बिगेन करा प्लोइंग करना एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे गॉट राइट्स ओवर द लैंड, यानी जो उनके अधिकार हैं उस राइट लैंड्स पर वो मिलने लगे और उन पर रहने लगे। सो द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, जो मुंडास कम्युनिटी है बिलोंग करती है छोटा नागपुर से मेनली, द लैंड बिलोंग टू द क्लान एज होल माना जाता है, ये बोला जाता है। तो जो लैंड बिलोंग करती है उस क्लान से, वंश से, जो पूरी लैंड है
तो वहाँ पे जाता है जो मुंडा कम्युनिटी बिलोंग करती है छोटा नागपुर से, तो माना जाता है ये लोग इस होल लैंड से बिलोंग करते हैं। सो नाउ अनदर टॉपिक, सम टुक टू सेटल कल्टिवेशंस। फोर्थ पॉइंट, ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड बट सम पीपल विद इन द क्लान एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, सम बिकेम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स। ये देखा गया कि कुछ लोगों को तो राइट्स मिल गए उनके लैंड पर, लेकिन कुछ ऐसे पीपल थे विद इन द क्लान एक्वायर्ड मोर पावर, यानी एक क्लान को दूसरे क्लान से ज़्यादा पावर थी, ठीक है। यानी जैसे हम कह सकते हैं एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को ज़्यादा पावर होती है, किसी के पास कुछ ज़्यादा आपके राइट्स होते हैं, कहीं पर कम राइट्स होते हैं किन्हीं लोगों, तो ऐसे ही एक क्लान दूसरे क्लान से ज़्यादा पावर थी। सम बिकेम चीफ्स, जो ज़्यादा पावरफुल थी वो क्या बन गए, चीफ यानी मुखिया बन गए, और उसके जो बाकी के लोग थे वो फॉलोअर्स कहलाए। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड्स एंड संथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। यानी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उस समय, या ब्रिटिश कर्मचारी जो होते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स को ज़्यादा क्या समझते थे, जैसे गोंड है, संथाल कम्युनिटी है, इनको ज़्यादा सिविलाइज्ड समझते थे, सभ्य समझते थे, किससे, जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे उनसे ज़्यादा सिविलाइज समझते थे, क्योंकि जो उन्हें विश्वास नहीं था हंटर गैदरर्स पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक जगह पे रहते नहीं हैं, ठीक है, तो उन पे विश्वास करना कम होता था। वहीं पर जो गोंड और संथाल कम्युनिटी को वो ज़्यादा सिविलाइज समझते थे कंपैरिजन टू हंटर गैदरर्स, जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हुआ करते थे। नाउ हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। अब किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल थे या जो ब्रिटिशर्स के थ्रू रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे, उन रूल्स ने कैसे इन ट्राइबल ग्रुप्स को इफेक्ट किया, ठीक है, उनके लाइफ को कैसे इफेक्ट डाला, तो ये हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।